Hello everyone, I will be your teacher for this question. The question is dealer wishes to purchase a number of fans and swing machines. He has only 5760 rupees to invest and has space for at most 20 items. A fan cost him th 360 rupees and a swing machine 240 rupees. He expects to sell a fan at a profit of 22 rupees and a swing machine for a profit of 18 rupees.

स्विंग मशीन परचेस्ड बाीलर जो एक्स और वाई है वो नंबर ऑफ फैंस और जो है स्विंग मशीन स्विंग मशीन जो है वो परचेस कर रहा है स्विंग मशीन जो है वो परचेस कर रहा है मशीन लिख देते हैं मशीन जो है वो परचेज कर रहा है बाय अ डीलर है ना डीलर वो बाय कर रहा है तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है फैन पे ट्वेंटी टू और जो, जो हमारे पास स्विंग मशीन है उस पर एटीन तो हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन होगा वो हमारे पास जड क्या हो जाएगा 22x टू एक्स और इसे ही हमें मैक्सिमाइज करना है तो अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट देख लेते हैं तो देखो 20 आइटम्स के लिए उसके पास स्पेस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस वाई जो है वो हमारा जो एटमोस्ट जो है वो 20 आइटम्स है यानी कि 20 आइटम से लेस ही रहेगा हमेशा नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया फैन का जो कॉस्ट है वो 360 है तो 360x सिक्सटी एक्स प्लस जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए 5760 थाउजेंड इससे ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है तो ये हो गया हमारे पास तो अब हम इसको क्या करते हैं जो है डिवाइड कर देते हैं क्या चीज से 120 से तो ये हो जाएगा 3x ये हो जाएगा हमारे पास 2y और ये आ जाएगा 48 तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और x और y जो है वो हमारा क्या होगा ग्रेटर दैन जीरो होगा क्योंकि नेगेटिव तो वो हो नहीं सकता है तो नेक्स्ट चलते हैं हम सबसे नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास क्या होगा इन दो इक्वेशन जो हमारे पास आए उसे हम स्टैंडर्ड इन इनक्वेलिटी जो आया है उसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास जैसे ही हम एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई हमारे पास ट्वेंटी और जब हम वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स हमारे पास ट्वेंटी आ जाएगा तो पॉइंट क्या आया जीरो ट्वेंटी और ट्वेंटी ज़ीरो है ना तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरा इक्वेशन लेते हैं थ्री एक्स प्लस ये पॉइंट इसलिए फाइन कर रहे हैं ताकि हम इसको प्लॉट कर सके ग्राफ पे तो ये हो जाएगा फोर्टी एट एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू ट्वेंटी फोर तो यहाँ से हमारे पास जीरो और ट्वेंटी फोर आया और जब हम वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सिक्सटीन तो दिस मीन्स सिक्सटीन और जीरो पॉइंट तो को प्लॉट करते हैं और फिर चेक करेंगे कि हमारा कौन सा रीजन फिजिबल रीजन आ रहा है सॉल्यूशन के लिए तो देखो ये फिगर ड्रॉ क्या क्या किया है ना तो ये हमारे पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है जीरो और ट्वेंटी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ट्वेंटी और जीरो तो ये जो है हमारी लाइन की इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर्टी एट तो ये अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो जो रीज़न है वो कैसे आ रहा है तो सबसे पहले हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी तो अब हम क्या करते हैं इसमें सब्सिट्यूट करते हैं जीरो जीरो तो जीरो जीरो लेस देन ट्वेंटी ये हमारा ट्रू है यानी कि जो ऑरिजिन है वो कंटेन होगा हमारे सोल्यूशन में रीजन में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसके ये सारा रीजन हो जाएगा अब हमारे पास दूसरा जो है वो क्या है थ्री एक्स प्लस अब हम इस पर जीरो रखेंगे तो जीरो भी ट्रू हो गया तो ये भी हमारा इस साइड तो हमारे पास कॉमन रीजन जो है ये डार्क रीजन जो है ये हमारे पास क्या आया फिजिबल सॉल्यूशन आया है तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए यहाँ पे एक हमारे पास जीरो जीरो है एक हमारे पास सिक्सटीन जीरो है एंड दिस इज आवर एट और यहां से करेंगे तो ये ट्वेल्व एट और ट्वेल्व तो क्या करते हैं अब हम इन्हीं पॉइंट पे चेक करते हैं हमारी वैल्यूज को तो जीरो जीरो पे चेक करते हैं तो z जो है वो हमारा क्या आ जाएगा जीरो प्लस 0, जीरो तो ये तो हमारा जीरो ही आ गया अब हम नेक्स्ट करेंगे सिक्सटीन जीरो पे तो ये हो जाएगा सिक्सटीन जीरो तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास सिक्सटीन और जीरो है हमारे पास तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है 22x है ना 22x टू एक्स प्लस एटीन वाई तो ट्वेंटी टू इंटू सिक्स प्लस एटीन इंटू जीरो यहां से क्या आ जाएगा 22 टू इंटू सिक्सटीन करेंगे तो 352 फिफ्टी टू और ये तो जीरो ही रहेगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है एट और जो है ट्वेल्व एट और जो है हमारे पास क्या है ट्वेल्व तो यहाँ सब्सिट्यूट करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी टू इंटू एट प्लस सिक्सटी एटीन इंटू तो यह आ जाएगा ट्वेंटी टू इंटू एट वन सेवेंटी सिक्स और एटीन इंटू ट्वेल्व वन एट्टी प्लस थर्टी सिक्स टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन तो इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी टू तो ये आ गया हमारे पास थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी टू और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है वो हमारे पास क्या है जीरो और ट्वेंटी तो यहाँ पे रख देंगे जीरो तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी टू इंटू ज़ीरो और एटीन इंटू ट्वेंटी गया 360 है ना गया थ्री सिक्सटी तो मैक्सिम कहां पे है? 392. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन 392 जो है वो मैक्सिमम है हमारे पास जब प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम इस पॉइंट पे यानी कि एट फैंस और ट्वेल्व जो है हमारे पास वो क्या करना होगा स्विंग मशीन तो नंबर ऑफ फैंस जो है वो कितना परचेज करेगा नंबर ऑफ फैंस जो है वो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ फैंस वो खरीद लेगा एट और नंबर ऑफ स्विंग मशीन हमें फाइंड करना था तो नंबर ऑफ सीविंग मशीन जो है वो हमारे हमारे पास पास कितना हो गया? इक्वल टू आ जाएगा 12. 12. तो यही जो है वो हमारा आंसर है और मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना था प्रॉफिट तो हमने प्रॉफिट जो मैक्सिमम पॉइंट पे था वही से हमने ये फाइंड कर लिया तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू